जय श्री कृष्णा, जय महाकाल। उज्जैन के पवित्र सांदीपनि आश्रम की पावन धरा पर आज मैं हूँ। मेरे पीछे आप कदंब का पेड़ देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का कदंब से बहुत गहरा रिश्ता है। मेघदूत में कालिदास ने बहुत बड़ी इसकी व्याख्या लिखी है। हमारे शास्त्रों में कदंब के बारे में बहुत कुछ भरा पड़ा है। भगवान श्री कृष्ण को कदंब बहुत प्रिय है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारा देशी कदंब अपने मौलिक स्वरूप को खोता जा रहा है। नए हाइब्रिड कदंब हम लोगों ने लगाए हुए हैं, मैंने भी कई सारे पेड़ लगाए हैं, लेकिन जो हमारा ट्रेडिशनल जो कदंब था, देसी जो कदंब था, जिससे भगवान कृष्ण का रिलेशन है, वो कदंब कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व को खोता जा रहा है। उज्जैन जैसी जगहों पर, वृंदावन जैसी जगहों पर, मथुरा जैसी जगहों पर, हमारा व्रजमंडल जैसी जगहों पर भी कदंब को कहीं ना कहीं मैं उपेक्षित महसूस करता हूँ। अक्सर जहाँ भी जाता हूँ, मैंने यहाँ पर कदंब के देसी पेड़ देखे। आपने मेरे पीछे कदंब का पेड़ देखा, ये कदंब का बहुत पवित्र और पूजनीय वृक्ष भगवान श्री कृष्ण का, इससे गहरा रिश्ता है। कदंब की टहनियों पर भगवान श्री कृष्ण ने कई लीलाएँ की हैं। उन लीलाओं से हमारा कहीं ना कहीं हमारे कई सारे संस्कार और हमारा साहित्य, हमारा सनातन जुड़ा हुआ है, हमारी परंपराएं जुड़ी हुई है। ये कदंब है, वैसे रात्रि हो गई, अब मैं इस पे हाथ नहीं लगाना चाहता। रात को वृक्षों को हाथ लगाना पाप बताया गया है हमारे शास्त्रों में, तो मैं इससे दूर हो गया हूँ। लेकिन ये कदंब का देसी वृक्ष है। आप सबसे प्रार्थना है, अपनी स्थानीय जलवायु के जो पौधे हैं, जो हमारी सनातन परंपराओं के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे पौराणिक और आध्यात्मिक ग्रंथों के साथ जुड़े हुए हैं, वो अपनी परंपराएं खो रहे हैं, अपना अतीत खो रहे हैं, अपना गौरव खो रहे हैं। ये ऐसी प्रजातियों के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विचार आया है, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक शोध आया है, जिसमें दुनिया की 10 लाख प्रजातियां पशु पक्षियों की समाप्त होने के कगार पर है। सबसे ज़्यादा उसमें भारत की शामिल है। हम सब लोगों की जिम्मेदारी है अपने आसपास पाए जाने वाली स्थानीय प्रजातियों के संरक्षण और संवर्धन के संबंध में हम लोग और कार्य करें। भगवान श्री कृष्ण के समर्पित ये कदंब के जो पुराने वृक्ष हैं, ऐसे अनेक वृक्ष आपको मिलेंगे, कई जगह आपको वट मिलेंगे, ऐसी अन्य कई सारी जानकारियों के संबंध में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।